तेरे साथ चलूं, मालूम नहीं क्यों खोने से तुझको डरूं। दोस्तों डिटेलिंग देखो दोस्तों, आप दिवाली के बाद पहली बार शूट कर रहा हूं मैं, इसलिए मैंने लाइटिंग तक लगा रखी है। हेलो, मेरा नाम है रोहन कार्यपा एंड हसल शून्य तीन का जोन फ्लिप वाला हफ्ता हुआ खत्म। एंड इस लास्ट हफ्ते में एक्चुअली बहुत कुछ हो गया। मुझे इंस्टाग्राम स्टोरी पे डिस किया गया। किसने डिस किया? इस हसल शून्य तीन के सारे जजेस में से सबसे बेस्ट लिरिसिस्ट के सामने बैठने वाली डीएमसी ने। उसके बारे में हम जल्दी बात करेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ करेक्शंस करनी है अबाउट अ फ्यू थिंग्स जो मैंने लास्ट कुछ वीडियोस में बोली है। मैंने बोला था कि बादल की दो गानों की कॉम्पोजिशन बॉलीवुड सॉन्ग से मिल रही थी। एक थी धीरे धीरे बोल कोई सुनना ले और दूसरा था मैं लवली हो गई यार फ्रॉम द मूवी हैप्पी न्यू ईयर। टर्न्स आउट दैट ये दोनों गानों की मेलोडी भी ओरिजिनल ही है, वो भी फोक ट्यून से ली गई है। एंड जैसे मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया भी हुआ है कि फोक सॉन्ग की अडेप्टेशन करना इज मच ईजियर, उसके जो कॉपीराइट लॉज होते हैं वो काफी ईज्ड आउट होते हैं। Having said that, I still feel कि अगर आप ऐसे कुछ folk tunes की adaptation कर रहे हो, especially अगर उन folk tunes पे Bollywood गाने भी बन चुके हैं, because Bollywood तो credit नहीं देता, तो आप at least credit दे दीजिए to avoid any sort of confusion. The thing is, आप जिस region से हो, उस region के लोग उस folk song को बहुत अच्छी तरह पहचानते होंगे, but एक pan India stage में आप जब pan India audience के लिए perform करते हो, तो थोड़ा confusion क्रिएट हो सकता है। खैर, सिंसियर अपॉलॉजीज टू बादल फ्रॉम माय साइड एंड आल्सो थैंक यू एमसी स्क्वायर फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद आते हैं डीएमसी पर। लास्ट वीक की जो वीडियो थी उस पर हमने डीएमसी की जजमेंट पे थोड़ा कटाक्ष सा करा था। एंड जिस दिन वो वीडियो रिलीज हुई उसके शाम को डीएमसी ने अपने इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाली कि मेरे इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि यूट्यूबर्स से मुझे हिप हॉप सीखना पड़े, विच इज़ आई फील आयरॉनिक बिकॉज हसल का कोई भी कंटेस्टेंट आपसे भी हिप हॉप सीखना चाह नहीं रहा है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज डीएमसी के चारों कंटेस्टेंट मजबूरी में उनके पास आए हैं। 100 RBH और उदय को बादशाह भाई ने डीएमसी की टीम में धकेला है बिकॉज और कोई डीएमसी को सेलेक्ट कर नहीं रहा था। एंड शेन भी और प्रिंस बैटल जीत कर इनवॉलेंटरीली उनके ग्रुप में चले गए। सो दैट मेक्स डीएमसी एंड मी सॉर्ट ऑफ सिमिलर बिकॉज हम दोनों से ही कोई हिप हॉप सीखना नहीं चाह रहा है। एंड दैट इज वाई फ्रॉम हियर ऑन डीएमसी इज माई फेवरेट जज इन द कॉन्टेस्ट, नो questions asked। कोई भी आज से डीएमसी को कुछ भी गलत बोलेगा तो उसकी और मेरी डायरेक्ट बीफ होगी। अगर कोई डीएमसी को गलत कमेंट करने जा रहा है, पहले मेरे इनबॉक्स में अपना एड्रेस भेजना, मैं आपके घर आऊंगा, मुक्के मार के आपकी थोड़ी चांपे हिलाऊंगा, उसके बाद आप कमेंट कर सकते हो। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट जजेस, इस बार की जजमेंट वॉज सो मच ऑन पॉइंट। 3 buzzers पाने की वो जो ग्लोरी और स्टेटस था जो कि कहीं खो गया था, कि हर कोई आ रहा था और 3 buzzer लेकर जा रहा था, इस बार सबको वो 3 buzzers कमाने पड़े। जजेस सोच के आए थे कि इस बार सबको 9 out of 9 buzzer नहीं देना, थोड़ा पिकी होना है। इस बार जजमेंट में आप देखोगे क्रिटिसिज्म भी हो रही थी बहुत ही नाइस वे में, जो कि अच्छा लग रहा था देखने में। एक्चुअली अच्छे से, मेरा मतलब ये नहीं कि मैं एक सेडिस्टिक इंसान हूं जो चाहता है कि उन कंटेस्टेंट की मारी जाए, लेकिन अच्छा इस हिसाब से बोल रहा था कि जब एज एन ऑडियंस मैं देखता हूं कि एवरेज परफॉर्मेंस पे या ठीक ठाक परफॉर्मेंस पे जजेस पागल हो रहे हैं, तो मुझे ही थोड़ा अजीब लग जाता, तो उस हिसाब से सही लग रहा था। नाउ ये तो होगी इस वीक की अच्छी बात। बुरी बात थी कि इस बार के परफॉर्मेंसेस बहुत ज़्यादा ही मिक्स थे। आपको रिवर्ब और डिले उनकी आवाज़ में क्लियरली सुनाई देगा। बहुत सारे परफॉर्मेंस में आपको सांस लेने की आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी, वो ही काट दी गई है। उसके अलावा कुछ मेलोडिक परफॉर्मेंसेस को पिच करेक्ट भी किया हुआ था, जिससे लाइव की जो फील होती है, जो एक ऑडियंस को रियलिटी शो देख के मिलती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगी। दिस वीक जैसे मैंने आपको बताया वाज अ जोन फ्लिप राउंड, तो क्या कंटेस्टेंट्स अपने जोन को फ्लिप करने की अग्नि परीक्षा पे खरे उतर पाए? सम ऑफ देम यस, मोस्टली नो। जोन फ्लिप राउंड की एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी कि बहुत सारे आर्टिस्ट जो बाउंड्री पर थे मेरे लिए कि यार ये अच्छे हैं या बुरे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा, उसमें मुझको थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है। आफ्टर 5 weeks आई फील नाउ आई हैव अ सॉलिड top 5 top 6 कंटेस्टेंट की लिस्ट फॉर मी, बट आई स्टिल फील इट्स डायनामिक। बट मेरे top 5 top 6 कौन है मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। अभी बात कर लेते हैं इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की। सबसे पहले परफॉर्म करने आए रैप आईडी, जिन्होंने एकदम 180 डिग्री का जोन फ्लिप लिया। ये बहुत ही डार्क चीजों के बारे में बहुत ही सीरियस टॉपिक को सेलेक्ट करते हैं एंड उन्होंने जोन फ्लिप राउंड में कॉमिकल रैप करने की सोची, विच इज अ बोल्ड मूव बिकॉज दिस इमोशन इज द टफेस्ट वन टू रिवोक। मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी लाइफ फन हैप्पी चल रही है, तभी भी अगर आप ला हासिल टाइप का कुछ गाना सुन लो तो आप सैड हो जाओगे। इफ नॉट फॉर योर सेल्फ, इफ नॉट बिकॉज यू रिलेट टू इट, तो एटलीस्ट बिकॉज यू नो कि समवन एल्स इज गोइंग थ्रू, जिसने लिखा है उसके लिए मैं बुरा फील कर रहा हूं।
बट कॉमेडी के साथ ऐसा नहीं है, कॉमेडी इज वेरी सब्जेक्टिव। एक चीज जो मेरे लिए फनी है शायद आपके लिए बहुत ही अनफनी और क्रिंज हो, एक चीज जो आपके लिए फनी है शायद मैं उससे रिलेट ना कर पाता हूँ। ऐसे रैप की राइटिंग स्किल्स भी थोड़ी डिफरेंट होती है एंड आई फेल्ट रैप आई डिड प्रीटी वेल। आई थिंक स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट में हिज इमेजरी इज हिज बिगेस्ट यूएसपी। ही पेंट्स पिक्चर्स विथ हिज वर्ड्स, वर्ड प्लेज लाइक नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन एंड उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने छुट्टी मांगी अपने ऑफिस से, वो वाला जो सेक्शन था वो भी काफी मुझे फनी लगा। हुक वॉज ऑल्सो गुड। द ओनली थिंग आई फाउंड मिसिंग विथ रिस्पेक्ट टू द स्टोरी टेलिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस ट्रैक वॉज अ सॉलिड बिल्डअप एंड अ वेरी गुड एंडिंग। एक ऐसी एंडिंग जो ये जो एनेक्डोट है उसको अच्छी तरह क्लोज करे। जनरली जिस लेवल पे आपकी स्टोरी मूव कर रही होती है उससे ज्यादा हाई पे आपकी स्टोरी एंड होनी चाहिए, उसकी एंडिंग शुड बी द बेस्ट। आप देखोगे रैप आईडी की फर्स्ट परफॉर्मेंस में उसकी एंडिंग वॉज द वन जिसने सबसे ज्यादा इंपैक्ट डाला। इस स्टोरी में उनकी एंडिंग थोड़ी एपिसोड लगी मुझे। हैविंग सेड दैट, ऐसे गाने में भी रैप आईडी ने मल्टी सिलेबल्स करे हैं तो कूडोज टू हिम फॉर दैट। इसके बाद जजिंग की बारी आई एंड मैंने देखा कि तीनों जज ने मिला के उसको 6 बजर दिए, जिसके बाद मैं थोड़ा घबरा गया। And then later on मुझे पता लगा कि अच्छा अच्छा इस बार strict criterias हैं। उसके बाद आए बुर्रा जो कि एक wedding track perform कर रहे थे। इनकी भी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा मिक्स थी। आई फेल्ट द हुक वाज सॉलिड एंड बिल्कुल अकॉर्डिंग टू थीम था। उसके अलावा जो ऑब्जर्वेशनल लिरिक्स थे उनके वो इस गाने को रिपीटेबल बनाते हैं मेरे हिसाब से। बीच में एक छोटा सा रैप सेक्शन आता है, वो छोटे से रैप सेक्शन में ही बुर्रा थोड़े से ढीले नजर आए, बट आई थिंक स्टेज परफॉर्मेंस उनकी कमाल की थी इस बार। हाई एनर्जी थी, वो स्टेज कवर कर रहे थे, इंटरैक्ट कर रहे थे। मैंने एक वीडियो में पहले बताया उन्होंने डिफरेंट लेवल्स कवर किए, उन्होंने खड़े रह के बैठ के एंड एंड में लेट भी गए। ऑल इन ऑल अ गुड सॉन्ग। इस परफॉर्मेंस को 9 out of 9 मिले, लिटिल सरप्राइज्ड बट ओके। नेक्स्ट अप वाज केडन विद एन अटेम्प्ट एट कॉन्शियस रैप एंड आई मस्ट टेल कि इस गाने में भी उनकी राइम स्कीम्स काफी काफी लूज थी। फाइनली उसको पॉइंट आउट किया गया, EPR और बादशाह ने दोनों ने बोला कि आप सेम वर्ड को अगले लाइन में सेम वर्ड से राइम क्यों करते हैं। एंड उनका जवाब था, मेरे को बाकी लोग बोलते हैं कि तू ऐसा करता है इसलिए मैं और ज्यादा करता हूं। ये लॉजिक पर्सनली मुझे समझ नहीं आया। देयर इज अ रीजन व्हाई सॉन्ग राइटिंग के बेसिक्स में एंड सॉन्ग राइटिंग के रूल्स में राइमिंग होल्ड्स सच एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इट इज सेड दैट पहला वर्ड जब आप बोलते हो तो एंटिसिपेशन बिल्ड होती है, जब आप राइम करते हो उसको नेक्स्ट सेंटेंस में तो इट गिव्स अ डोपामाइन हिट टू द लिसनर्स ब्रेन। अ गुड राइम इन लिसनर्स ब्रेन इज लाइक जिग्सॉ पजल सॉल्विंग इटसेल्फ एंड इससे रिटेंशन भी बढ़ती है एंड दैट्स व्हाई सॉन्ग राइटिंग के तो बेसिक्स में आता है बट ब्रांड टैगलाइंस में भी आप राइमिंग वर्ड देखोगे, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, There must be some reason। इस गाने में भी केडन ने वो किया, प्यार खुद से को प्यार खुद से राइम किया, 5 मिनट को 5 मिनट से राइम किया 3 बार। और उसके अलावा जो भी कॉन्शियस रैप की जान होते हैं कोटेबल्स या मेटाफर्स वो भी मुझे ठीक ठाक ही लगे। फॉर एग्जाम्पल इस गाने में एक लाइन आती है कि तेरे सर पे जितने बाल उतना एक गलत विचार लोगों के दिल तोड़ता है, समथिंग ऑन दीज लाइन्स। नाउ उसके कितने लोगों के दिल तोड़ता है को उसने तेरे सर पे कितने बाल है उससे कंपेयर किया। आई फील जो जिस चीज से वो पैरेलल्स ड्रॉ कर रहा है वो बेहतर हो सकती थी। खैर अगर ओवरव्यू की बात करें तो केडन के जो एरर्स हैं दैट इज राइमिंग एंड जो पैरेलल वाले मैंने एरर बताए ये काफी इजीली रेक्टिफाइबल एरर्स हैं। उसके अलावा जो ओवरऑल गाना था मुझे ठीक लगा, मच बेटर देन हिज फर्स्ट टू परफॉर्मेंसेस। इसमें एक्चुअली एक जेन्युइन एफर्ट नजर आया उनकी तरफ से टुवर्ड्स बेटर एंड मीनिंगफुल राइटिंग। केडन के बाद आए शेनबी विद अ सॉन्ग दैट अकॉर्डिंग टू मी विल गो डाउन एज वन ऑफ द टॉप 5 सॉन्ग्स ऑफ द होल सीजन। लास्ट टाइम डीनो के कमेंट्स पर टिप्पणी करते हुए मैंने बोला था कि शेनबी की खुद की पर्सनैलिटी कुछ नजर नहीं आ रही है, वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस जगह से बिलोंग कर रहे हैं, क्या उनकी स्टोरी है वो नजर नहीं आ रही। ही इज जस्ट मेकिंग डिसेंट ट्रैक्स। हाँ उन्होंने एक गाने में बोला है JK02 बट वो बोलने से कुछ नहीं होना था। योर डिमीनर द वे यू टॉक कन्वेज अ मैसेज कि आप क्या रिप्रेजेंट करते हो। उसके अलावा मैंने ये भी बोला था कि उनके गानों में ओवरऑल इमोशंस की कमी है और शॉक वैल्यू की कमी है। इस बार आई डोंट थिंक उनके गानों में कोई भी कमी कोई निकाल सकता है। कश्मीरी लैंग्वेज में हुक था विच वॉज वेरी गुड बट आई फील द हीरो ऑफ द ट्रैक और रादर द हीरोइन ऑफ द ट्रैक वर द वर्सेस। वेरी वेल क्राफ्टेड इमेजरी एंड मेटाफर्स। ऑल्सो थीम ऑफ द सॉन्ग वॉज सो ब्यूटिफुल कि आप शेनबी की लाइफ देख रहे हो वाया 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फीमेल्स इन हिज लाइफ। स्टोरी के टाइमलाइंस में जो अप्स डाउन्स गुड टाइम्स एंड चैलेंजेस आते हैं उनके बीच का ट्रांजिशन भी बहुत स्मूथ था। मैंने थोड़ी देर पहले रैप आईडी की स्टोरी टेलिंग में एक फॉल्ट बताई थी कि एंडिंग ऑन अ हाई, वो अगर आपको उसका एग्जाम्पल देखना है तो आई थिंक शेनबी की एंडिंग आप देख सकते हो। उन्होंने पूरा एक सर्कल बना दिया एंड दैट स्टोरी एंडेड सो ब्यूटिफुली। दिस इज वन ऑफ दोस सॉन्ग्स जो आर्टिस्ट कभी भी रेप्लीकेट नहीं कर पाता। दिस इज
once in a lifetime track, and I congratulate Chenby for pulling it off so beautifully. Next up was Basic, and yet again unka gana itna zyada mix master tha ki pitch correction to chodo, उनके सांस वापस लेने की आवाज भी आपको नहीं सुनाई देगी पूरे गाने में. उनको कम पॉइंट्स मिले. माय गेस फॉर दैट इज गोइंग टू बी हिज आर्च नेमेसिस, दैट इज हिज ऑब्सेशन विद सिंगिंग. इक्का भाई ने उनकी गायकी में गलतियां निकाली, बट मोस्ट ऑफ इट इज कवर्ड थैंक्स टू द मिक्स्ड वर्जन ऑफ द ट्रैक. बट उसके अलावा भी कॉम्पोजिशन वॉज जस्ट ओकेश, एंड हिज कॉन्फिडेंस इज अगेन बैक टू हाउ इट यूज टू बी इन द फर्स्ट टू परफॉर्मेंसेस. माई एडवाइस टू बेसिक इज गोइंग टू बी द सेम. Please avoid singing the hooks, because आपकी मास्टरी रैप में है, आप रैप शो में है. उस शो का एक ऐसा सीजन चल रहा है जहां पे रैपर्स को कुछ ज्यादा ही अप्रिशिएट किया जा रहा है, बिकॉज उनकी तादाद थोड़ी शो में कम है. आई डोंट सी एनी reasons why he should be singing. बेसिक के बाद आई गॉश, एंड येट अगेन उनका परफॉर्मेंस वॉज वे टू मिक्स्ड फॉर अ रियलिटी शो. उनके इंट्रो पे ही, जब वो गॉश इंट्रो में बात कर रहा है, उस पे ही कितना रिवर्ब और डिले लगा हुआ है, आप देख लो. गॉश के परफॉर्मेंस में मुझे राइटिंग बहुत अच्छी लगी, लेकिन उनके डिलीवरी में अभी भी मुझे इश्यूज नजर आए. इनफैक्ट उनकी परफॉर्मेंस भी, जब वो एक सैड इमो ट्रैक परफॉर्म कर रहे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस एंड उनकी बॉडी लैंग्वेज एंड उनका डिमीनर तब भी फ्लेक्स रैप वाला ही थोड़ा बहुत नजर आया. खैर, उसके अलावा बीट्स इस गाने की बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी मुझे, एंड ऑल्सो अगेन कमिंग बैक टू गॉश के लिरिक्स, सरफेस लेवल ऑब्जर्वेशन नहीं थी, ही वेंट अ लेवल डीपर एंड रोट लिरिक्स फ्रॉम देयर, जो कि मुझे अच्छी लगी बात उसमें. हुक की स्ट्रक्चरिंग आई फील थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, बट ऑल इन ऑल अ गुड ट्रैक. लास्ट वीक लीनियन जजिंग के टाइम पे एनर्जी जैसे ट्रैक को, जिसमें बीपीएम लाइव स्विच की गई थी, उसको 2 buzzer, और इस हफ्ते में जहां पे स्ट्रिक्ट जजिंग हो रही है उसमें इस ट्रैक को 3 buzzer, मेरे समझ के बाहर है. बट दैट्स व्हाई आई एम नॉट अ क्वीन. एंड अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा कि ऐसे हुआ है, तो अपने आप को बोलो दैट्स व्हाई यू आर नॉट अ क्वीन. मूविंग ऑन, नेक्स्ट वॉज विश, जिनकी परफॉर्मेंस में 2 major error थे. एक तो सबने देखा स्टार्टिंग में, वो भूल गए. सेकंड, जो बहुत कम लोगों ने देखा, थर्ड लास्ट लाइन में उनका एक वर्ड फंबल हो गया. उसके अलावा डीनो ने मेरे मुंह की बात छीन ली. उन्होंने एक ऐसी बात करी जो मैं लास्ट 2 हफ्ते से कहना चाह रहा था, बट मैं सोच रहा था छोड़ दे यार अभी मत बोल. वो ये थी कि विश के वर्सेस की डिलीवरी इज वेरी सिमिलर टू बोहेमियाज वे ऑफ रैपिंग. ना अगर आपको विब्राटो की तरह वो बोहेमिया के वर्सेस कैसे साउंड करते वो भी आपको पता नहीं लगते, तो मैं करके दिखाता हूँ, ध्यान से सुनना ठीक है. मैं बोल दूं, मैं नाम लूं, इस टाइप से होते हैं. अच्छा, मैं और क्रिटिक नहीं करूंगा विश के परफॉर्मेंस को, बिकॉज आई अंडरस्टैंड दैट देयर इज नथिंग वर्स देन फॉरगेटिंग लिरिक्स ऑन हसल. इट्स लाइक ड्रॉपिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट कैच इन योर लोकल क्रिकेट मैच. उसके बाद यू स्टार्ट स्टेइंग इन योर हेड, आपको एकदम से घबराहट होने लग जाती है. सिंपल फील्डिंग आ रही होती है तो भी आपको ऐसा डर लगता है कि हाथ के बीच में से निकल जाएगी, एटसेट्रा एटसेट्रा. एज अ फील्डर यू डोंट वॉन्ट द बॉल टू कम योर वे. आप चाहते हो कि वो मैच जल्दी खत्म हो जाए और आप वापस घर चले जाओ, आपको अपने टीम मेट्स के साथ नजरें ना मिलानी पड़े. आई एम प्रीटी श्योर विश इज गोइंग through the same feeling but in a higher magnitude, because ye national TV pe hua hai. My only advice to wish from here on, and it's easier said than done, would be to just enjoy hustle. Just tell your mind ki abhi kuch hi hafte bache hain, uske baad to show anyways khatam ho jayega, koi yahan pe permanently to hai nahi. To jitne bhi time ho, give it your all and try to win the show. Apne man mein is show ko give up mat karo. 2 बार फंबल हुआ है लास्ट सीजन, बहुत लोगों से हुए हैं एंड वो आगे भी गए हैं. लाइक द बिगेस्ट सॉन्ग ऑफ लास्ट सीजन वाज अ ट्रैक दैट पैराडॉक्स फंबल्ड इन, जादूगर. डोंट वरी, सैटरडे के एपिसोड में लास्ट आने वाले आर्टिस्ट थे प्रिंस द आर्टिस्ट पाजी, एंड माय गॉड व्हाट अ लेट डाउन हिज लिरिक शीट वाज. लाइक केडन, उन्होंने भी कॉन्शियस रैप अटेम्प्ट किया, लेकिन पूरे गाने में एक भी इंपैक्टफुल लाइन नहीं थी. द होल सॉन्ग was filled with cliches and generic lines. Hum deviyon ko poochte hain but aurtein don't feel safe has to be the most generic line jo hum India mein use karte hain when we talk about women's safety. Kafi surface level baatein thi. Personally on this channel I have been advocating Prince the artist sing from the very first episode, so I think mere ko thoda zyada hi bura laga ye performance dekhkar. Apart from that, singing ke bare mein zyada bol pana bahut mushkil hai, because again mixed track tha, to singing mein to kuch zyada gadbadi nikal nahi sakti. All in all theek thak track, but I think Prince से तो ज्यादा ही expect करता हूँ personally मैं. Prince की performance के बाद Saturday का episode हुआ खत्म, and आई Sunday की वो मनु शाम जब India match हार गई. खैर, hustle पे वापस आते हैं. First performer of Sunday's episode was विजय दादा.
He came up with a commercial track जो कि 100% zone flip था compared to his last performance. It was a bilingual track जिसमें तमिल और हिंदी का मिश्रण किया गया था. Song की structuring, packaging मुझे काफी अच्छी लगी. Lyrics तो आधे से ज़्यादा मेरे सर के ऊपर से गए, but the sound of the track was exactly the way it was supposed to sound. गाना sonically entertaining था and उसको उसी मस्ती से उन्होंने perform भी करके दिखाया अपने stage presence की वजह से. This track got 9 out of 9. Next up was Uday and इस बार वो एक heartbreak track perform करने वाले थे. Again a few lines in this track were really really good. One of them being on the lines of अगर तुम मुझे छुरी से मारोगे तो मैं ही माफी मांगूंगा कि खून तुम्हारे हाथों पे लग गया. A very nice hyperbole जो पूरा scenario एक line में describe कर देता है. उसके अलावा the hook was good, singing was decent, had its own minute flaws but it was good overall. जब judges से पूछा तो EPR ने बोला कि वो अभी भी उनका previous गाना इशारे अपने दिमाग से नहीं हटा पा रहे. I think the main differentiator between इशारे and this track lyrically was the imagery. I also feel कि इस track की imagery थोड़ी और better हो सकती थी. जो starting में picture हमारे दिमाग में बनना शुरू हुई थी, जो उन्होंने स्टार्टिंग में लिरिक्स लिखे थे, उसकी वजह से वो कई बार जो वो इमेजरी थी वो आ जा रही थी एक दो सेगमेंट में, वो कांस्टेंट नहीं थी. उसके अलावा आई फील द मोनोटोन डिलीवरी वाला जो स्टाइल था वो उदय पे सूट कर रहा था. आई पर्सनली लाइक दिस परफॉर्मेंस. नेक्स्ट अप वाज बॉबी रंधावा एंड स्ट्रेट अप मुझे इनकी परफॉर्मेंस में कोई खास जोन फ्लिप नजर नहीं आया. उनके पहले दो ट्रैक हार्टब्रेक के बारे में था, ये भी कहीं उसके आसपास ही था. उनके पहले दो ट्रैक्स की जो परफॉर्मेंस थी वो काफी हैवीली रिलाई कर रही थी उनकी सिंगिंग के ऊपर. Same with this track. उनकी सिंगिंग आई थिंक इस कॉन्टेस्ट में सबसे बेस्ट है, तो उस पर कुछ बात करने का बनता नहीं है बिकॉज दैट इज इम्पेकेबल. बट उसके अलावा जब वो रैप करने आते हैं तो उनके फ्लोज काफी ढीले नजर आते हैं. जो इस बार उन्होंने केडेंस यूज किया विच वॉज वेरी सिमिलर टू जो लास्ट टाइम उन्होंने रैप किया था उसका केडेंस. उसके अलावा लिरिक्स काफी जेनरिक, राइम स्कीम्स काफी बेसिक थी. नाउ नथिंग अगेंस्ट बॉबी रंधावा द आर्टिस्ट, एज एन आर्टिस्ट वो बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है. जब वो हसल के बाहर जाएंगे अपना म्यूजिक करियर करेंगे तो वो बहुत न्यू हाइट्स रीच करेंगे, उसमें भी मुझे कोई डाउट नहीं है. द ओनली प्रॉब्लम इज दैट हसल इज अ रैप शो एंड रैप शो में उनको रैप के पैरामीटर्स पे जज किया जा रहा है, जो कि मेरे को लगता है उनके आर्टिस्टिक आर्सेनल्स में से सबसे वीक वेपन है. आई थिंक माय बेस्ट डिसएग्रीमेंट विद द जजेस दिस टाइम वुड बी ऑन बॉबी रंधावास परफॉर्मेंस. उनको 9 out of 9 मिले एंड इसकी वजह से आई थिंक केडन, जिन्होंने एक्चुअली कुछ नया ट्राई किया, एक्चुअली जोन फ्लिप करने की कोशिश करी, वो बॉटम में आ गए. उसके बाद आए 100 RBH एंड हिज ट्रैक वाज अबाउट शैतान. उन्होंने दो वोकल टेक्सचर्स एंड दो वोकल टोन्स यूज किए टू शो communication, conversation between शैतान and इंसान. Just like the previous performance by Bobby Randhawa, इसमें भी मुझे कुछ खास ज्यादा बड़ा जोन फ्लिप नजर नहीं आया because वो जिस चीज के बारे में अपने रेगुलर गाने में बात करते हैं, कॉन्शियस रैप में बात करते हैं, उन्होंने सेम चीज यहाँ पे भी बात करी है. उसके अलावा एज यू नो मैंने यहाँ पे बता भी रखा 100 RBH इज वन ऑफ माई फेवरेट परफॉर्मर्स, बट लास्ट दो हफ्ते से उनकी लिरिकल एबिलिटीज ने प्लेटो कर दिया है. इस गाने में जो राइटिंग थी वो काफी जेनेरिक थी, फिल्ड विद क्लीशेज थी एंड इवन द स्टोरी ऑफ शैतान वर्सेज इंसान या शैतान टॉकिंग टू इंसान, उसका जो कल्मिनेशन था, जो कंक्लूजन था, उसमें भी कोई क्वर्की या यूनिक टेक नहीं देखने को मिला टुवर्ड्स द एंड. EPR गेव हिम 1 buzzer जिससे मैं अग्री करता हूं, बट आई स्टिल फील इट्स अ वेरी बॉल्जी मूव बिकॉज 100 RBH वन ऑफ द हाइप्ड आर्टिस्ट है इस शो के. गुड जॉब. हाइप आर्टिस्ट से याद आया, नेक्स्ट अप वॉज द मोस्ट हाइप्ड आर्टिस्ट ऑफ द लास्ट वीक, पोएट शाफ. पोएट शाफ है, पोएट शेफ है, अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट विल गो हेड विद पोएट शाफ. ही केम अप विद अ यूनिक ट्रैक जो उन्होंने बोला कि वॉज हिज सुसाइड नोट, जो कि उन्होंने बनाया था जस्ट बिफोर ही वॉज गोइंग टू गिव अप एंड देन उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये नहीं करने वाले हैं. इस गाने की राइटिंग तो सही थी, बट समथिंग दैट कैरीड दिस ट्रैक वॉज हिज वोकल टेक्सचर एंड टोनल वेरिएशन जो उन्होंने दिखाई इस गाने को परफॉर्म करते वक्त. थ्रू आउट द परफॉर्मेंस उनकी वोकल टोन में एक ईरी सा टेक्सचर था जो कि इस गाने की डार्क फील को बहुत ही अच्छी तरह कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. उनकी ये और ये डिलीवरी सुनके लग रहा है कि उनको एक बार एक हॉरर थीम ट्रैक भी लिखने चाहिए. आई थिंक दैट वुड सूट हिज टोन रियली रियली वेल. फ्लो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट कर रहा था फ्रॉम द एक्चुअल मैसेजिंग ऑफ द ट्रैक, बट उसके अलावा जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, उनका जो स्टेज प्रेजेंस है और जिस कॉन्फिडेंस से येट अगेन पोएट शाफ ने परफॉर्म किया है, दैट वाज कमेंडेबल. नेक्स्ट अप वो शेडी मेलो जो ड्रिल परफॉर्म करने वाले थे. नाउ आई विल बी ऑनेस्ट हियर एंड टेल यू कि मेरी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम शेडी मेलो डूइंग अ हार्डकोर ड्रिल ट्रैक वाज बेयर मिनिमम, बट जब उन्होंने परफॉर्म किया I realized that वो actually एक अच्छा drill गाना लिख सकते हैं. This song was filled with callbacks. अगर आपको इस गाने का कोई parallel ढूंढना है Hustle 2.0 के किसी गाने से, तो that would be Shrushti's मैं नहीं तो कौन बे. मैं नहीं तो कौन बे में Shrushti ने बहुत सारे callback दिए थे. उसने MC Square के गाने का reference दिया था, Wicked Sunny के गाने का reference दिया था, Paradox के गाने का reference दिया था, etc. यहाँ पे भी Shady Mello ने वही किया in a much better writing I feel. इसमें उन्होंने Hustle शून्य तीन के contestant नहीं, Hustle 2.0 की contestants का भी callback दिया. Now गाना starting से ही entertaining sound कर रहा था, लेकिन around 8th bar से ही थोड़ा-थोड़ा off जाने लग गए थे Shady Mello. I think second verse में Gosh का जो callback आता है, उसके बाद उन्होंने थोड़ी देर के लिए fumble किया एक दो बार के लिए, and then he bounced back and completed his performance. Needless to say, इस performance के बाद उनको 3 buzzer मिले, and he was the top contender to come
into the bottom from EPR Rebel. EPR Rebel की बात हो ही रही है तो EPR Rebel के तीन contestants की performance हो चुकी है. एक और जो बची है वो आई next, जिनका नाम है मृणाल शंकर. मृणाल शंकर yet again looked like a finished product. उन्होंने इस बार दिखा दिया कि उनके पास bars और deliveries और punchlines भी हैं and वो सिर्फ melody के back पर ride करने के लिए नहीं आई हैं इस show पे. गाना काफी सही चल रहा था लेकिन जस्ट लाइक विश एंड शेडी मेलो जो कि उनके टीममेट्स हैं, मृणाल शंकर ने भी एक बार फंबल कर दिया इस परफॉर्मेंस में. बट द पॉजिटिव एस्पेक्ट इज कि उन्होंने फंबल करने के बाद भी उसी एनर्जी से गाना परफॉर्म किया. आगे की नहीं सोची कि अरे आप जज से काली खानी पड़ेगी एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज जैसे ही गाना खत्म हुआ उनकी आंखों से आंसू आने लगे. तो अगर ये परफॉर्मेंस के बीच में आते तो काफी डिजास्ट्रस हो जाता एंड आई थिंक वही बॉटम में आती जो कि नहीं हुआ. इक्का ने उनको दो बजर्स दिए. डीनो वाज अ प्योर जेंटलमैन. उन्होंने रोते हुए देखा, पहले उन्होंने हंसाया फिर एक बजर दिया कि मतलब एम्पैथी तो है लेकिन क्लिनिकल भी रहूंगा व्हाइल स्कोरिंग कंटेस्टेंट्स. आई रियली अप्रिशिएट दैट. इसी के साथ सारे परफॉर्मेंसेस हुए खत्म. डीनो की टीम से बॉटम में आए बेसिक, ईपीआर की टीम से बॉटम में आए शेरी मेलो, डीएमसी की टीम से बॉटम में आए 100 आरबीएच और इक्का की टीम से बॉटम में आए केडन. उसके बाद डीएमसी वाज़ द स्क्वाड ऑफ द वीक, तो उनको एक बचाना था एंड उन्होंने 100 आरबीएच को बचा दिया. वहां पे भी थोड़ी अजीब हुई कि मैं 100 आरबीएच को बैटल में भेजना चाहती हूँ बिकॉज 100 आरबीएच ने बोला मैं बैटल करना चाहता हूँ एंड जस्ट दो मिनट बाद उन्होंने बोला अरे आज मत कर यार बैटल, आज आ जा. पता अजीब सा लगा वो एक्चुअली देखकर. 100 आरबीएच के सेव होने के बाद बचे तीन आर्टिस्ट, केडन, शेडी मेलो और बेसिक. उसमें से वोटिंग से बचे नो प्राइज फॉर गेसिंग केडन शर्मा. एंड द फाइनल बैटल वॉज बिटवीन शेडी मेलो एंड बेसिक एंड सबसे पहले परफॉर्म करने आए शेडी मेलो. शेडी मेलो को गाना सुन के एक्चुअली मुझे थोड़ा बुरा ही लगा. मतलब बैटल्स जज होती है आपकी स्किल्स पे एंड उन्होंने एक ऐसा गाना परफॉर्म किया जो कि काफी बीट बिल्डअप और ड्रॉप रिलायंट था. अलॉन्ग विद दैट आई थिंक गाने का स्ट्रक्चर भी काफी ऑफ था. 8 बार का वर्ड्स था, उसके बाद 8 बार का बिल्डअप आता है विच एक्ट्स लाइक अ प्री कोरस बिकॉज वो नेक्स्ट टाइम भी सेम चीज रिपीट हुई है. उसके बाद 16 बार का ड्रॉप या फिर उसको आप इस गाने में हुक बोल सकते हो वो था एंड इट रिपीट्स इन द सेकंड वर्स. यस एज अ सॉन्ग इट कुड बी डिसेंट. अगर आपको ईडीएम सुनना पसंद है तो शायद आपको ये गाना पसंद आए. बट परफॉर्मिंग दिस एंड डिसाइडिंग टू परफॉर्म दिस इन अ बैटल is I think a major lapse in judgment by Shady Mello. Uske baad aaye Basic with I think his best performance in Hustle yet. Unka naam Basic hai and starting ke 4 bar mein unhone apne naam Basic ko bahut hi achhi tarah uske sath word play karke usko bars mein fit kiya. Uske baad guillotine wala scheme bhi kafi acha laga mujhe. Uske baad jo unhone second verse perform kiya tha, that was the verse that got him onto the 1 minute rap challenge list and wo verse kya kamal ka likha tha. That staircase wala jo pura scheme tha, too good. I think इस गाने में punchlines थे, metaphors थे, अच्छा hook था, perform भी अच्छी तरह किया था, a complete performance by Basic. Basic इस performance ने बादशाह भाई का काम बहुत ही ज़्यादा आसान कर दिया and sadly yet again another artist had to go home before he deserved to go home. But such is the concept of reality shows. अगर आपने एक दिन थोड़ा mark miss किया आप घर जा सकते हैं उस दिन. अच्छा ये तो थी परफॉर्मेंसेज. मैंने जस्ट रियलाइज किया कि मैंने ऊपर अभी तक जजिंग की बात की नहीं थी. मैं जनरली जजेस को भी तो जज करता हूँ ना. इस हफ्ते के मेरे फेवरेट जज के लाइनअप में टाई हुआ है. आई थिंक ईपीआर एंड डीनो दोनों काफी क्लिनिकल थे एंड काफी कंसिस्टेंट थे उनके मेरिट्स पे बजर्स देते वक्त. ऑल्सो देयर कॉमेंट्स अलाइंड विद माई व्यूज ऑन मोस्ट ऑफ द परफॉर्मेंसेज एंड दैट्स वाई डीनो and EPR are my favorite judges of the day. Guest judge की बात कर लेते हैं. सलीम मर्चेंट आए थे as a guest judge. I think सलीम मर्चेंट was a very positive influence. वो बहुत ही अच्छी तरह sweetly criticize कर रहे थे and अगर किसी एक performer को बाकी judges ने बहुत ज़्यादा criticize कर लिया तो वो उसको अच्छा अच्छा ही बोल रहे थे. I think he did fairly well. And जैसे मैंने आपको starting में बताया था, मैं अपने top 5, top 6 artists अभी बताने वाला हूँ. Again, it's a dynamic list. ये list change होती रहेगी based on अगर कोई artist अपना आके नया skill दिखा देता है अगले हफ्ते के episode में. तो मैं सोच रहा हूँ हर episode के end में, हर video के end में मैं अपने top 5 बता दूंगा उस week के हिसाब से. अभी फिलहाल के लिए मेरे top 5 चल रहे हैं Rap ID, Gosh, Uday, 100 RPH and I guess मृणाल शंकर. आई थिंक हाँ ये है. आई थिंक सिक्स स्पॉट के लिए मेरे लिए विजय दादा, प्रिंस और शेनबी आर राइट अप देयर. बट जैसे मैंने आपको बताया ये एक डायनेमिक लिस्ट है. अगले हफ्ते देखेंगे इस लिस्ट का क्या होता है. अभी फिलहाल के लिए अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट. अगर आपको मुझे फॉलो करना है देन यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ROHNCARIAAA. अगर आप में से कहीं पर अग्री या डिसएग्री करते हो तो आप कॉमेंट में बता सकते हो. अनटिल नेक्स्ट टाइम इट्स मी रोहन कारे पाप साइनिंग ऑफ. तुझको मैं यूं के समझेगा बातों को तू.